खंडे अच्छा इस पड़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछे, क्या यह सही है कि जोधपुर शहर से आबादी एवं उद्योग से जनहित प्रदूषित औद्योगिक उत्तिष्ठ एवं सीवरेज का प्रवाह जोजरी नदी में पहुंच रहा है? यदि हाँ तो राज्य सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में दो मौसमी नदियां लूनी व जोजरी, यह जोजरी नदी का पारंपरिक उद्गम नागौर जिले के उत्तरी भाग से होता है। इसका बाव दक्षिण पश्चिम में जोधपुर जिले से होता हुआ अंतर लूनी में मिल जाती है। जोजरी नदी में अनुपचरित नगरीय अवशिष्ट नहीं जाए, इस हेतु संयुक्त उपचार संयंत्र एसटीपी का संचालन नगरीय निकाय द्वारा किया जा रहा है। जोधपुर के नांदड़ी क्षेत्र में संचालित विशिष्ट उपचार संयंत्र की क्षमता 20 एमएलडी है तथा सालावास में संचालित दो मल जल उपचार संयंत्र की प्रत्येक की क्षमता 50-50 एमएलडी है, अतः कुल 120 एमएलडी की मल जल उपचार सुविधा संचालित है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पास उपलब्ध जल आपूर्ति के आंकड़ों के आधार पर जोधपुर जहर से लगभग 230 एमएलडी मल जल घरेलू अवशिष्ट उत्पन्न होता है। उक्त मल जल घरेलू अवशिष्ट के अथालन हेतु शहर से लगभग 1300 किलोमीटर लंबाई का शिविर तंत्र तैयार किया गया। क्षेत्र के प्राकृतिक ढलान के अनुसार इस तंत्र के 5 अंतिम निस्तराव बिंदुओं पर जल मल जल घरेलू अवशिष्ट उपचार हेतु नगर निगम एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा मल जल उपचार संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। जोधपुर में जल प्रदूषणकारी उद्योगों के प्राय एमएसएमई होने के कारण से इन क्षेत्रों में संयुक्त अवशिष्ट उपचार संयंत्र सीईटीपी की अवधारणा लागू की गई है एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार जोधपुर में संयुक्त अवशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना संचालन एवं संधारण हेतु औद्योगिक इकाइयों के द्वारा जोधपुर प्रदूषण नियमन निवारण ट्रस्ट को गठित किया गया और उक्त सीईटीपी की क्षमता 20 एमएलडी है। उक्त संयंत्र द्वारा वर्तमान में 310 टेक्सटाइल इकाइयाँ एवं 87 स्टील रिडोलिंग इकाइयों के औद्योगिक अवशिष्ट का उपचार किया जाता है। इन इकाइयों से जनित अम्लीय एवं क्षारीय अवशिष्ट का संयुक्त उपचार संयंत्र तक परिवहन हेतु बंद पाइपलाइन स्थापित की जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जोजरी नदी के अंदर जो पानी जा रहा है और जो प्लांट का मंत्री महोदय ने जो जिक्र किया है वो पर्याप्त कैपेसिटी है नहीं है। पानी जो नदी के अंदर जा रहा है वो पानी आगे जो गांव है जोधपुर जिला के अंतिम छोर पर दवा और पशुपतिरा विधानसभा का डोली उन गांवों के अंदर किसानों के खेतों के अंदर वो गंदा पानी फैल रहा है। लोग डाणी में जा नहीं सकते, खेतों में फसल अपनी बो नहीं सकते, तो क्या सरकार की मंशा है कि उस पानी का स्थायी डायवर्सन देकर लूनी नदी में डाला जाए? ये उद्योगों से जो भी पानी या जा रहा है वो ट्रीटमेंट होके है फिर उसके बाद में जाता है उसमें प्रदूषण से उपचार के बाद में, और वहाँ ये तो बाड़मेर जोधपुर से बाड़मेर में जाते हैं तो दवा ये बीच में ही आता है। वहाँ पर तो काश्तकार इस पानी को रबी की फसल लेने के लिए वो उसमें उत्सुक है कि ये पानी हमको मिले। ये बात सही है, बरसात के दिनों में जब ज़्यादा बरसात होती है तो वो जनमल वो है जो उसमें बह जाता है उससे ज़रूर उसमें थोड़ा बहुत नुकसान होता है। बाकी इस समय तो जो पानी वहाँ जा रहा है वो लोग खेती के काम में ले रहे हैं, लोगों की मांग भी है। अगला प्रश्न पानाचंद मेघवाल।